हाय, दिस इज मनीषा सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स, एंड आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आई हूँ आप सभी के बीच एक और नई जबरदस्त जॉब अपडेट के साथ, जो कि डायरेक्टली निकल करके आ रही है असम राइफल्स की तरफ से। जीडी यानी जनरल ड्यूटी रिक्रूटमेंट आपका स्पोर्ट्स कोटा 2023 के लिए। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को बता दूं कि असम राइफल्स जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। ये सेंट्रल फोर्सेस होता है। इसमें आपको ऑल इंडिया के लिए वैकेंसी निकल के आई है। मेल एंड फीमेल दोनों कैटेगरी के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है, और ये स्पोर्ट्स कोटा के अंडर वैकेंसी है। तो जो भी कैंडिडेट्स स्पोर्ट्स से रिलेटेड होंगे, वो इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करें। इसमें फ्रेंड्स आपका जो पोस्ट रहने वाला है, राइफल मैन एंड राइफल वीमेन का पोस्ट रहने वाला है। तो इसके रिगार्डिंग मैं कंप्लीट डिटेल बताने वाली हूँ कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है। यहाँ पे फ्रेंड्स आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाला है, तो आपका रिक्रूटमेंट रैली कब होगा, इसका सारा कुछ डिटेल आपको बताने वाले हो। तो अगर आप भी इस वीडियो के लिए इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए हम लोग फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आपका टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो रहने वाला है 81 सीट्स के लिए आपकी ये वैकेंसी आउट हो चुकी है। आइए मैं आपको स्पोर्ट्स वाइज वैकेंसी डिटेल बता देती हूँ मेल एंड फीमेल दोनों ही कैटेगरी के लिए। तो फुटबॉल के लिए मेल की वैकेंसी 5 है, फीमेल के लिए भी 5 है। बॉक्सिंग के लिए मेल की 5, फीमेल की भी 5। बैडमिंटन के लिए मेल का 3 है सीट और फीमेल के लिए 2 सीट्स है। आर्करी के लिए मेल एंड फीमेल दोनों के लिए 2-2 सीट्स है। एथलेटिक्स के लिए मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए 12-12 सीट्स रखा गया है। रोइंग के लिए मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए 5-5 सीट रखा गया है। पेनकैक सिलाट के लिए मेल की जो सीट्स है वो आपका 4 है, फीमेल के इसमें कोई भी सीट्स नहीं आई है। क्रॉस कंट्री के लिए मेल की जो सीट्स है वो 5 है और फीमेल का 7 सीट है। सेपैक तक रो के लिए मेल की सीट्स यहाँ पे 2 है और फीमेल्स के लिए कोई भी सीट नहीं रखा गया। तो मतलब मेल के लिए टोटल सीट 43 और फीमेल के लिए 38। तो ओवरऑल आपकी 81 सीट्स में ये वैकेंसीज आउट हो चुकी है। इम्पॉर्टेंट डेट की बात करें तो आपका जो फॉर्म की स्टार्टिंग डेट है वो आपका 1 जुलाई 2023 से ऑलरेडी फॉर्म स्टार्टेड है, एंड लास्ट डेट टू अप्लाई आपका 30 जुलाई 2023 रहने वाला है। तो आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, जितना जल्दी हो सके आप लोग, अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दो। अब बारी आती है एज लिमिट की। तो आपका जो एज यहाँ पे कैलकुलेट होने वाला है एज ऑन 1 अगस्त 2023 कैलकुलेट होगा। आपका मिनिमम एज यहाँ पे रिक्वायर्ड है 18 इयर्स एंड मैक्सिमम 28 इयर्स रहने वाला है। और फ्रेंड्स आपका यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया कि जिन भी कैंडिडेट का बर्थ हुआ है आपको 1 अगस्त 1995 टू 1 अगस्त 2005 वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देख लेना कि आपका डेट ऑफ बर्थ इस डेट के बीच में आता है या नहीं आता है। यहाँ पे आपको एज में रिलैक्सेशन भी देखने को मिलता है, ओबीसी को 3 ईयर्स के लिए, एससी एसटी को 5 ईयर्स के लिए एज पर द गवर्नमेंट रूल्स। तो फ्रेंड्स अब बारी आती है फॉर्म की फ़ी जानने की। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों से 100 रुपीज़ लिया जाता है, वहीं पे ऑल कैटेगरी फीमेल एंड एससी एसटी से यहाँ पे कोई भी चार्जेज नहीं ली जाती है। तो चलिए अब मैं बता दूं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है। तो सबसे फर्स्ट कि आप 10th पास आउट होने चाहिए, आपका मैट्रिकुलेशन इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज स्कूल बोर्ड से होना चाहिए। देन फ्रेंड्स अगर आप प्लेयर हो, आपने पार्टिसिपेट किया किसी इंटरनेशनल कंपटीशन में, नेशनल कंपटीशन में, इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स में, नेशनल स्पोर्ट्स में, गेम फॉर स्कूल नेशनल अवार्ड विनर इन नेशनल इफिशियंसी ड्राइव, तो इसमें से अगर कोई भी इफिशियंसी आपके पास है 10th पास आउट के अलावा, तो आप इस फॉर्म को 100% अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन की प्रोसेस आपका 3 मेजर स्टेजेस पर डिपेंडेबल होता है। फर्स्ट आपका रिक्रूटमेंट रैली, जिसमें कि कैंडिडेट का वेरिफिकेशन होता है, फिजिकल टेस्ट होता है, स्पोर्ट का टेस्ट होता है। सेकेंडरी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है। थर्ड मेडिकल होता है। देन आपकी जो है फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आती है और आपका ज्वाइनिंग लेटर आपको हैंड ओवर कर दिया जाता है। तो आइए अब मैं आपको फिजिकल यानी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट प्लस
फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपको बता दूं कि क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले तो PST होता है, जिसमें हाइट की मेजरमेंट होती है। तो हाइट आपको ऑल कैंडिडेट मेल के लिए 170 सेंटीमीटर मिनिमम रिक्वायर्ड है। ऑल कैटेगरी आपका जो हो गया फीमेल्स, उनके लिए 157 सेंटीमीटर मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट के कैंडिडेट हो तो आपका मेल, अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो मिनिमम 165 सेंटीमीटर, एंड नॉर्थ ईस्ट के फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 155 सेंटीमीटर की हाइट रिक्वायर्ड रहेगी। ST कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स का 162 सेंटीमीटर मिनिमम रिक्वायरमेंट है, और फीमेल के लिए यहाँ पे ST वालों का 150 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड रहेगी। चेस्ट सिर्फ मेल का मेजर किया जाता है, तो ऑल कैटेगरी मेल के लिए 80-85 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए भी सेम है, 80-85 सेंटीमीटर आपका एक्सपेंशन होना चाहिए। ST कैंडिडेट्स के लिए 76-81 सेंटीमीटर यहाँ पे चेस्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी। अब बारी आती है फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। तो इसमें आपका फ्रेंड्स रनिंग होता है। मेल कैंडिडेट्स के लिए 5 किलोमीटर्स की रनिंग होती है 24 मिनट्स में, एंड फीमेल्स के लिए ये रनिंग 800 मीटर की होती है आपको 4 मिनट में। एंड आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट जो कि रैली की डेट है, आपका 7 अगस्त से ये रैली स्टार्ट होने वाली है। तो आप लोग जो है फिजिकल के ऊपर ना ध्यान देना, मतलब अच्छे से वर्क करना स्टार्ट कर दो, ताकि आप लोग जाओ और एक बार में ही क्रैक कर लो। ये सब तो मैंने आपको समझा दिया कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, फिजिकल वगैरह की क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो अब आप सोचोगे कि मैं ज्वाइनिंग करूँ तो मुझे इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलने वाला है। तो चलिए आपको बता देती हूँ कि इसका सैलरी आपको स्टार्टिंग होता है 21,700 टू 69,100 रुपीज़ पर मंथ के अप्रॉक्स आपको मिलता है। तो आपको जो है इसमें अच्छी खासी इंक्रीमेंट देखने को मिलती है, अच्छी खासी आपको अलाउंसेस दी जाती है। तो आपके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। तो अच्छे से तैयारी करो और इस पोस्ट को आप लोग अचीव कर लो। सो आई होप कि मैंने आपको जो भी डिटेल बताया है असम राइफल स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट 2023 के लिए, आप उसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे। फ्रेंड्स अगर उसे समझने में कोई सी भी दिक्कत हो ना, तो आप कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर पूछो, मैं आपकी क्वेरीज को वहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। अदरवाइज आप और भी ज़्यादा कनेक्ट होना चाहते हो मुझसे, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हो, आप टेलीग्राम चैनल पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाओ वहां से फॉलो कर लो। और अगर मेरी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सेट कर देना, ताकि मेरी सारी न्यू वीडियो सबसे पहले आप सभी तक आए। तो चलिए मिलती हूँ आपसे फिर से किसी न्यू जॉब अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।